our wait is about to end. Ramzan is only few days away from us. Hello, welcome back to my channel MJ's Mix Up. In this vlog, you guys going to see how we have done our deep cleaning and arranging everything, decluttering. Ramzan preparation is going in full-fledged at everyone's place. जो कुछ भी डीप क्लीनिंग हम लोग करें उसके छोटे छोटे क्लिप शेयर करूंगी मैं आप लोग के साथ. और वैसे ही टाइम निकाल कर मैं मेरा ड्रेस भी स्टिच कर ली. ये कुछ कुशन कवर्स जिसको मैं सॉर्ट आउट करी जो पुराने हो गए थे और इसको अरेंज कर दी. एक कार्डबोर्ड का मैं ऐसा बॉक्स बना कर रखी जिसमें सारे कुशन कवर्स को फोल्ड करके इस तरह से रखती हूँ मैं. तो ये भी थोड़े सॉर्ट आउट करी जो ख़राब हो गए थे, पुराने हो गए थे. कुछ डिस्कार्ड कर दिए और कुछ डोनेट कर दिए. साथ में ही सारे सोफ़ा कवर्स को भी रीअरेंज करी, ये भी सॉर्ट आउट करी, इसको भी रीअरेंज करी. और जो यूज़ में आने वाले थे रमज़ान के लिए, साथ में ही फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी कर दिए मम्मी और मेरे सिस्टर. इसको पूरा कम्प्लीटली एम्प्टी करे, सारे ट्रेस निकाल कर वॉश करे, फ्रिज का भी सारा सामान रीअरेंज करे. ये सारे काम तो साल भर होते ही रहते हैं घर के, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि रमज़ान में सब कुछ अच्छे से दिखे, सब कुछ अरेंज रहे, घर एकदम वेलकमिंग लगे, एकदम नीट क्लीन, अच्छे से अरेंज्ड घर चाहते हैं सब लोग रमज़ान में, ताकि कुछ और स्पेशल लगे घर. इसीलिए सब लोग रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं घर को अच्छे से प्रिपेयर करने में. तो हम लोग भी एक एक करके सारे काम कर रहे हैं घर की सफाई के, रीअरेंजमेंट के, जो जो पॉसिबल हो सक रहा था जो दिन में, क्योंकि सब कुछ एक दिन में तो करना इम्पॉसिबल है. तो स्लो स्लो जैसे जैसे काम होते जा रहे थे हम लोग उसी के साथ सब वापस से अरेंज कर रहे थे. कुछ पेंट का काम भी करवाना था घर पे, तो साथ में वो भी करवा ले रहे हम लोग रमज़ान से पहले, ताकि घर अच्छे से लगे. तो मैं किचन के जार्स क्लीन कर रही हूँ थी. क्लीन करते करते मैं फ़ोन में सूरा लगाती हूँ या कोई आयत लगाकर क्लीन कर रही हूँ थी. अगर आपको कोई सूरा बाय हार्ट करना है, याद करना है, या कोई आयत याद करना है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसको रिपीटेडली सुनते जाइए और डेली बेसिस पर एक बार तो भी दिन में एक बार आप कंटिन्यूसली पढ़िए विदाउट एनी फेल. तो इंशाल्लाह सूरे बहुत जल्दी याद हो जाते इस तरीके से. तो मेरे को कभी भी कोई सूरा याद करना है तो मैं उसको रिपीटेडली सुनती हूँ और रिसाइट करती हूँ ऑन डेली बेसिस. तो इससे बहुत जल्दी सूरे याद हो जाते, या कोई आयत आपको याद करना है कुरानी तो वो भी बहुत जल्दी याद हो जाती. Meanwhile, I am cleaning the prayer mats as well. जो जानिमाज़ है उसको भी मैं रमज़ान से पहले वॉश कर ले रही हूँ. इसको भी हम लोग मंथ्स में, थोड़े मंथ्स में रिपीट करते वॉश करना, तो रमज़ान से पहले तो बहुत ज़रूरी है इसको वॉश कर लेना. अगर आप लोग मेरी रमज़ान फूड प्रिपरेशन की वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए. उसमें मैं बहुत सारे अच्छे टिप्स शेयर करी रमज़ान का फूड आप लोग कैसा स्टोर कर सकते, रमज़ान की फूड प्रिपरेशन जो हम लोग करें वो. और डीमार्ट का स्टोर टूर वीडियो भी है जिसमें बहुत अच्छे रमज़ान ऑफर्स की मैं वीडियो शेयर करी, वो वीडियो भी ज़रूर देखिए. चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग मेरे रमज़ान सीरीज़ के आने वाले और वीडियोज़ मिस ना करें.
Now my prayer mats are ready to let them dry. तो हमारे साफ सुथरे जानिमाज रेडी है। इसी के साथ अभी हम लोग डस्टिंग और डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दिए थे घर की। सारा जो क्लीनिंग थी, डस्टिंग है और वॉशिंग है। फूड प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग डीप क्लीनिंग कर रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता काम होते जा रहे थे। आप लोग सबकी भी प्रिपरेशन कैसी चल रही बताइए। जैसे जैसा दिन करीब आते जाते रमज़ान के लिए, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ते जाती और प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से भी बढ़ते जाती सब लोगों के पास। तो हम लोग के भी आहिस्ता आहिस्ता सारे काम ख़त्म होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का साल भर इंतज़ार करते हैं सब लोग। जब वो टाइम आता तो उसको अच्छे से इबादत में गुजारने की कोशिश करते सब लोग। अल्लाह ताला सब की इबादत को और दुआओं को कबूल करे। मेरी वीडियो कैसी लगी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। बाय।